एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ हम आ गए। चौथा वीडियो है हमारे हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ स्कॉलर्स के बारे में स्टडी किया, स्कॉलर्स की स्टडीज कर रहे थे, जिसमें से हमने तीन स्कॉलर्स के बारे में देखा। आज आने वाले तीन स्कॉलर्स के लिए देखेंगे, और मैंने आपको जैसे कहा था कि एनएल स्कूल देखेंगे और उसके साथ में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है उसके बारे में जानेंगे। आज के जो चार है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में एक्चुअली में हमने क्या किया था। रेने डिस्कार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, एक्चुअली में उन्होंने क्रिटिकल एग्जामिनिंग किया था किसी भी डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट पे क्रिटिकली एग्जामिनिंग करते थे। ओके, फिर वोल्टेयर के बारे में देखा। वोल्टेयर क्या करते थे, उनका ये मानना था कि कोई भी डेटा जो भी हो वो किस तरीके से होना चाहिए, दैट शुड बी एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में सोसाइटी, यू नो, ट्रेड, ट्रेडिशन, इकोनॉमी और उसके साथ में एग्रीकल्चर, ये सब को भी इंक्लूड करने की जरूरत है। फिर हेगल के बारे में देखा हमने। उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें लॉजिकली मैनर से देखना चाहिए। सही बात है, डॉक्यूमेंट को लॉजिकली भी देखना है। और उन्होंने बताया कि एक ही पहलू नहीं होता, हर एक चीज की अच्छाइयां भी होती है, बुराइयां भी होती है। हमने देखा था ना, अगर आपको याद हो तो सिंथेसिस देखा था, थीसिस देखा था, ओके, एंटीथीसिस देखा था। तो ये सब चीजों में गुड बैड, ये सब चीजें भी उसके अंदर कंसीडर्ड होती है। ओके, अब आगे देखते हैं आज के लिए। और अब आगे के स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं। लियोपोल्ड वैन रैंकी, कार्ल मार्क्स एंड माइकल ऑरिकल्स है मिशेल फोकलेट्स। ओके, एक्चुअली में ये सब भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने हिस्टोग्राफी के ऊपर वर्कआउट किया था। तो शुरू करते हैं लियोपोल्ड वैन रैंकी। इनका बर्थ हुआ था 1795 में एंड ही पास्ड अवे इन 1880। ट्रूथ होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमें उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग? उनका ये मानना था कि कोई भी डेटा का हमें ओरिजिनलिटी मिलना चाहिए। उनका ये भी मानना था, वो बिलीव करते थे कि ये यही एक पॉसिबल तरीका है किसी भी हिस्टोरिकल ट्रुथ तक पहुंचने के लिए। उन्होंने एक बात और बताई, आपको बताया हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन करने के बाद ब्रेन में कोई क्वेश्चन रखते हैं। उनका कहना सही है, उन्होंने कहा है कि इमेजिनेशन करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारा इमेजिनेशन सही भी हो। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। इमेजिनेशन हर बार सही नहीं हो सकता, एंड फॉर दैट पर्पज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट दैट कि किसी भी डेटा का क्रिटिकल एग्जाम। नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं। 1818 में इन्होंने बर्थ लिया एंड ही पास्ड अवे इन 1883। ओके, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, थिंकर, स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। ओके, अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो जर्मन के थे, फिलोसॉफर थे, थिंकर थे, स्कॉलर थे और हिस्टोरियन भी थे। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में उन्होंने एक ऐसा थीसिस डेवलप कर दिया, ऐसा एक यू नो अलग अलग स्कूल्स को डेवलप कर दिया और चीजों को अपने दिमाग में रखा कि हिस्ट्री का कुछ अलग ही पार्ट उन्होंने बता दिया। ओके, और कार्ल मार्क्स ने कौन सा नया पार्ट बताया? अगर कार्ल मार्क्स के हिसाब से देखें, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्टिंग आइडियाज, बस खाली अपने आइडिया को एक्सट्रैक्ट करते रहो। ओके, अलग अलग डेटा के पास जाओ, ओरिजिनलिटी देखो। उन्होंने ये कहा कि इट्स अ लिविंग पीपल, मीन्स एक ह्यूमन बींग का दूसरे ह्यूमन बींग के साथ में रिलेशन कैसा है। ओके, उसके साथ में जो हमें लैंड मिला है, जो हमें ओशन मिला है, यू नो, जो नेचुरल चीजें हमें मिली है, कितना उसके ऊपर किस ह्यूमन बींग का डोमिनेशन है, किस तरीके से एक ह्यूमन बींग उसके ऊपर डोमिनेटेड रहते हैं। ओके, डोमिनेशन, अब यहां पे कौन सा डोमिनेशन आ गया? आप याद करो, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, क्लास के भी लेक्चर में देखा, स्कूल या मतलब अपने फ्रेंड को, वो आप पे डिपेंड करता है। आरिगेटिंग? उसी तरीके से जो भी अवेलेबल चीजें हैं, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में है, सबके पास चीजें इक्वली डिवाइडेड नहीं है। आरिगेटिंग? कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई लेबर है, क्या सबके पास जो चीजें एक अमीर व्यक्ति के पास होगी, एक लैंडलॉर्ड के पास होगी, क्या वही चीज एक लेबर और पुअरर के पास भी होगी? नहीं होगी। तो मार्क्स का यही बताना था कि चीजें सबके पास इक्वली डिवाइडेड नहीं है, पीपल आर नॉट इक्वल इन ऑल द मैनर्स। ओके, अलग अलग डिविजन है, एक्चुअली में हमारी सोसाइटी को बांट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। ओके, अलग अलग क्लास में, अलग अलग स्टेटस में। ओके, तो इन चीजों को भी ध्यान में रख के उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से हिस्टोग्राफी प्रेजेंट करना चाहिए जहां पे ऑल क्लास ऑफ द पार्ट इंक्लूड हो। अगर कार्ल मार्क्स का देखें तो हिस्ट्री इज
क्लास ऑफ स्ट्रगल एक्चुअली में क्लास ऑफ स्ट्रगल है एज क्लास दैट ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन. जो मींस ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा ओन करता है उनका ही क्लास होता है. यानी वो क्या करते हैं, डोमिनेट. कोई अमीर है मे बी चांसेस वो गरीब को डोमिनेट करते हैं. ओके, एक उन्होंने बुक बनाई थी दास कैपिटल, उसके अंदर भी उन्होंने इन चीजों को रिप्रेजेंट किया है जो वर्ल्ड वाइड रेफर्ड की जाती है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था हमारे हिस्ट्री का. उन्होंने एक ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया हिस्टोग्राफी में. किसने? कार्ल मार्क्स ने. आर यू गेटिंग? चलो देखते हैं एनल स्कूल. एनल स्कूल क्या कहता है, व्हाट इज एनल स्कूल इज टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली में एनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जैसे फॉरेस्ट कौन से हैं, अमेजोन फॉरेस्ट है या फिर और कौन से अलग अलग इंडिया में और कौन से फॉरेस्ट है, फॉरेन कंट्री में कौन से और फॉरेस्ट है, उनकी हिस्टोग्राफी को एक्चुअली में जब वो लेकर आए तो उन्होंने इसे एनल स्कूल दिया. वहां से हिस्टोग्राफी का पार्ट ही बदल गया. एक फ्रेंच से शुरू हुआ और एक नए हिस्टोग्राफी में इसने क्या लिया, टर्न दिया. एडुकेटिंग. अब बात ऐसी है आने वाले पार्ट में कि अब हमें जो हिस्ट्री देखनी है वो जेंडर के पार्ट से देखनी है. एक्चुअली में आप लोगों ने पहले भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में, एट्थ तक हिस्ट्री पढ़ी, नाइन्थ तक आए. हर जगह आपको मेल कैरेक्टर्स को दिखाया गया. ओके, फीमेल कैरेक्टर्स भी थे लेकिन मेल कैरेक्टर्स को ज्यादा प्रेजेंट किया गया. मेरे बातों से लग रहा होगा कि अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं. एक्चुअली में आई एम गोइंग टॉकिंग अबाउट नाउ अ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. एक्चुअली में फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में फीमेल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंट दिया गया. एक्चुअली में जब इतिहास बना तो उसमें मेल ने जितना वर्कआउट किया था फीमेल्स भी उतना ही इन्वॉल्व थी. उनका क्या रहने का तरीका था, किस तरीके के उनके ड्रेसअप थे, कौन सी ज्वेलरी वो पहनती थी. ओके, उनका अपना एक ड्रेसिंग सेंस, उनका अपना एक स्टाइल, उनका अपना एक चाल चलन था. ओके, वो सब चीजें भी अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में इंक्लूड करने का टाइम आ गया था. उन्होंने भी एक अपना अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया था. ओके, और उन्होंने भी हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया था. अगर हम बात करें तो एक शिमोन डू वेबर, एक्चुअली में ये एक फ्रेंच की हिस्टोरियन थी जिन्होंने एस्टैब्लिश किया फंडामेंटल ऑफ द फेमिनिस्ट. यानी फीमेल्स के लिए किस तरीके से हमें हिस्ट्री में यू नो प्रेजेंट करना है, उन्हें भी हिस्ट्री में लाना है. एक्चुअली बहुत सारे उनके लिए भी यू नो रिक्रिएशंस बने. ओके, फीमेल्स का डोमिनेशन बाय द मेल, और भी बहुत ऐसी चीजें थी. उनका वर्किंग कैटेगरी क्या है, उनका वर्किंग रोल क्या है. ओके, उनको कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्या वो ट्रेड ऑफ यूनियन में भी है, किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करती है, वो सब चीजें भी बताने की जरूरत है. एक्चुअली में बाकी के जो डोमिनेटेड वुमेन्स थी जिन्होंने मेल ने जो डोमिनेशन किया था. चैप्टर को एंड करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हमारे पास है जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जिनका नाम है वी कैन से मिशेल और ऑल्सो वी कैन से माइकल फॉकलेट्स. ओके, जिनका बर्थ हुआ 1926 में एंड ही पास्ड अवे इन 1984. ओके, उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और उसमें उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से हिस्ट्री का क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होना चाहिए. एक्चुअली में चलो ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, वन आफ्टर अनदर उसको लेकर आओ, प्रेजेंट करो, वो सब अपने जगह. लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में ट्रांजिशंस कौन से है. व्हाट इज ट्रांजिशन? ये ट्रांजिशन इज नथिंग बट एंड चेंजेस. ओके, कौन से बदलाव उसके साथ में आ रहे हैं. ओके, उसको भी एक इम्पॉर्टेंटली पार्ट में हमें लेने की. क्रोनोलॉजिकली वे में तो आप जा रहे हो, चलो समझ में आया. आप उसका ट्रांजिशन वाला पार्ट देख रहे हो, वो भी अच्छी बात है. उसके साथ में उनका ये भी कहना था देयर शुड बी अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर कहीं पे होता है उसे भी इंक्लूड करो. साइंस ऑफ मेडिकल, मेडिकल में किस तरीके से बदलाव हुआ, आयुर्वेदा के बाद किस तरीके से हम अलग अलग मेडिसिन तक पहुंचे, वो भी जरूरी है. ओके, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके का पनिशमेंट होता था, पहले कैसा पनिशमेंट था, अब कैसा पनिशमेंट है, पनिशमेंट में भी चेंजेस हो गया. पहले आप देखते थे फांसी ज्यादा होती थी, अब उतनी ज्यादा नहीं होती, उसके पीछे क्या चेंजेस आया. तो ऐसी सब बातों को यहाँ पे माइकल ने हमें समझाया उनके हिस्टोग्राफी में, कि वो सब भी देखो साथ में ट्रांजिशंस भी देखो. क्रोनोलॉजिकली देख रहे हो ठीक है, एविडेंस प्रूफ के लिए जा रहे हो, इट्स ओके, गो फॉर दैट ऑल्सो, बट देयर आर सर्टन चेंजेस ऑल्सो. आप पुराने हिस्ट्री में नहीं रह सकते, पुराने हिस्ट्री के अलावा भी हिस्ट्री में बदलाव आगे आगे होते रहते हैं. Are you getting? Is this about our first chapter? Guys, ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें से अगर आज मैं आपको होमवर्क वाले पार्ट में देखूं
तो आप कार्ल मार्क्स थ्योरी कर सकते हो. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एनएल स्कूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर. टेक्स्ट बुक को गाइस कंटिन्यूस रीड करो, एटलीस्ट 2-3 बार वो टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बाद उसके एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जाओ. ओके, कर सकते हो. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एनएल स्कूल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर. टेक्स्ट बुक को गाइस कंटिन्यूस रीड करो, एटलीस्ट 2-3 बार वो टेक्स्ट बुक रीड करो, उसके बाद उसके एक्सरसाइज सॉल्विंग पे जाओ. ओके, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करो, एक फ्रेश नोटबुक बना लो. नोटबुक बनाने के बाद में हिस्ट्री का एक बुक तो आप बनाओगे ही, आज नहीं तो कल जब स्कूल चालू होगा तो भी हम करेंगे. ओके, तो वहां पे वो एक चैप्टर को आप कंप्लीट कर लो. और रही बात वीडियोस की, वीडियोस तो आगे भी कंटिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे. एक्चुअली मेरे कुछ बच्चों को मिल नहीं पाता है वीडियो, तो वो बात को ध्यान में रख के मैंने सोचा कि चलो एक चैनल बना देते हैं. तो चैनल मैंने बना दिया है. ओके, लिंक एक्चुअली में अब आप क्या करो, लिंक बार बार देने से बेटर है कि किसी भी मोमेंट पे वो अपडेट हो जाता है. ओके, तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को क्लिक कर लो, तो आपको क्या, जैसे ही यहाँ से वीडियो मैं अपलोड करूंगा वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. अरे गेटिंग, सो ये कर लो ताकि वीडियोस और आपको अच्छे से मिल पाए. अरे गेटिंग, आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए हंसते रहो और देखते रहो.